आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटीआर 3 भी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इन्होंने बताया था कि जीएसटीआर 3 भी को हम चेंज करने वाले हैं। अब इन्होंने क्या करा है, फॉर्मेट दे दिया है हमारे को कि भाई ये फॉर्मेट हम जीएसटीआर 3 भी का करने वाले हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो 15 सितंबर तक हमें सजेशन दे देना, फिर बाद में मत कहना कि आपने हमें बताया नहीं। तो क्या फॉर्मेट नया आया है पूरा डिस्कस करेंगे, इसमें क्या कमियां हैं ये डिस्कस करेंगे, और ये कैसे हमारी प्रैक्टिस को इम्पैक्ट करेगा, कैसे हमारी वर्किंग को बढ़ाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा लेक्चर आपको मिल गया होगा। यहाँ पर थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट बात करेंगे प्रैक्टिकल की। अगर आप भी इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर देना, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पर दे देगी। बात करते हैं कि इन्होंने एनेक्चर ए में बोला कि अब जो जीएसटीआर 3 भी होगी, जो मंथली और क्वार्टरली जाएगी, उसका फॉर्मेट कैसे होगा। इसमें इन्होंने क्या करा है, अमेंडमेंट के ऑप्शन भी दिए हैं कि आप जीएसटीआर 3 भी में अमेंडमेंट भी कर सकते हो, और जीएसटीआर 3 भी को पूरा ही चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया है, जैसे कि अगर आपको पता हो पहले आप अपनी टेबल जो फाइल करा करते थे जिसमें आउटपुट सप्लाई की डिटेल डाला करते थे, उसमें कुछ कॉलम नहीं थे तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि भाई ये वाली सेल कैसे डालें। तो इन्होंने क्या करा, जो टेबल नंबर 3 है उसमें बदलाव करा। क्या बदलाव करा, पहले इन्होंने टेबल नंबर 3 में जो ए पॉइंट है इसमें लिखा टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, अरे सर ये तो वही वाला है। हाँ जी बिल्कुल वही वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, एक्सपोर्ट के लिए अलग कॉलम बना दिया। पहले क्या होता था, यहाँ पर एक वर्डिंग होती थी जीरो रेटेड सप्लाई, तो जैसे ही हम जीरो रेटेड सप्लाई डालते थे तो हमें कन्फ्यूजन होती थी। अब इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट के लिए अलग बना दिया। अगर आप एससीजेड को माल बेच रहे हो उसके लिए अलग बना दिया, अगर मैं बात करूँ डीम्ड एक्सपोर्ट की उसके लिए अलग बना दिया। तो यहाँ पर इन्होंने तीनों के लिए अलग अलग कॉलम बना दिए। और इस बात का ध्यान रखो, इस बार इन्होंने क्या करा, 3B को GSTR 1 से लिंक कर दिया, और क्या बोल दिया कि भाई ये वाली जितनी भी फिगर्स होंगी ये हमारी GSTR 1 से, ठीक है ना, ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएंगी। लेकिन ट्रांसपोर्टर को बड़ी दिक्कत होती थी, एडवोकेट्स को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई हमारी जो सप्लाई है वो RCM के अंदर आती है, अगर हम अपनी 3B फाइल करते हैं तो उसे किस में दिखाएं। तो कई लोग कहते थे भाई एग्जेम्प्टेड में दिखा दो, कई लोग कहते थे भाई ऐसा करो कि आप टैक्सेबल में दिखा दो। अब उनके लिए अलग कॉलम बना दिया ई। इस कॉलम में क्या बोल दिया, आउटवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये इनवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई की। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, अगर कोई एडवोकेट्स है तो उसे अपनी सप्लाई डालनी होती थी, उसके लिए इन्होंने ये बना दिया। इसके अलावा हमारा एक कॉलम पहले ही था इनवर्ड सप्लाई, जिस पर RCM पे करते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या बोल दिया, दो अलग अलग कॉलम बना दिए कि एक इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का बना दिया, एक अदर्स का। पहले यहाँ पर एक ही कॉलम होता था, अब इन्होंने दो कॉलम बना दिए। इसके बाद जी और एच कॉलम इन्होंने नया डाला। अगर आपको पता है हमारा एक सेक्शन होता है सेक्शन 95, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारा GST का फुल कोर्स ले लेना, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर हम बात करें 95 में कौन होते हैं, 95 में होते हैं जोमेटो वाले, ओला वाले, इस तरह के लोग होते हैं 95 के अंदर, मेक माई ट्रिप वाले। तो इन्होंने क्या बोला, सप्लाई ऑन विच ECO इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। अगर किसी व्यक्ति को, किसी ECO को 95 में टैक्स देना है तो वो अपनी सप्लाई यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर मैं ECO के थ्रू, ठीक है ना, सप्लाई कर रहा हूँ और उस सप्लाई में 95 के अंदर टैक्स लगता है तो उसकी जो मुझे डिटेल दिखानी है वो मैं H कॉलम में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सेक्शन 95 के लिए इन्होंने दो कॉलम बना दिए हैं। तो किस किस सप्लाई पर ECO है ये हम अपनी जो क्लासेज है उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई निल रेटेड एग्जेम्प्टेड डिटेल दिखानी है तो इन्होंने यहाँ पर अलग कॉलम दिया, ये पहले भी था। अगर कोई नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है तो उसके लिए भी कॉलम इन्होंने डाल दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि GSTR 3B में ना स्कोप बढ़ गया है, ठीक है ना, कॉलम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, कुछ चीजों के कॉलम नहीं थे वो इंसर्ट कर दिए। इसी बात पर इन्होंने क्या करा, एक एडवांस के लिए कॉलम वो डाल दिया। कई बार जब हम एडवांस रिसीव करते थे तो उसे हम टैक्सेबल सप्लाई में ही दिखाते थे, इन्होंने कहा नहीं भाई, अगर आपका कोई एडवांस रिसीव्ड है या एडवांस एडजस्टेड है तो आप उसे यहां पर दिखाओगे। तो यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो, कोशिश इन्होंने क्या करी है कि ये GSTR 1 से लिंक कर रहे हैं, क्योंकि जो जो कॉलम GSTR 1 में है वो कॉलम वो यहां पर दिखा रहे हैं। इसके बाद ये जो टेबल है,
ठीक है ना, इसका पार्ट बी है, ठीक है ना। अब आपको समझना है, पहले आता था 3.1, 3.2, अब इन्होंने ऐसा नहीं करा, अब इन्होंने पार्ट्स में बांट दिया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी की जो डिटेल है इन्होंने अभी से ना मैंडेटरी कर रहे हैं, कुछ लोग इसे भरते नहीं थे तो इन्होंने बोला नहीं भाई, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो, कंपोजिशन को कर रहे हो, यूआईएन को कर रहे हो, तो हमें टैक्स बांटना है, तो इसकी डिटेल हमारे को बता देना, तुम नहीं बता सकते तो हम GSTR1 से ऑटो पॉपुलेटेड इसे कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला चेंजेज भी इन्होंने इसमें कर दिया। लेकिन सर अमेंडमेंट का चेंजेज का है, अमेंडमेंट का आगे आएगा। अब आ गई है अमेंडमेंट टेबल। अमेंडमेंट टेबल क्या है, अमेंडमेंट टेबल में इन्होंने क्या बोला कि भाई आप GSTR1 में तो अमेंडमेंट कर ही सकते थे ना, तो हमने क्या करा कि जो आप GSTR1 में अमेंडमेंट करोगे, ठीक है ना, उसे लिंक कर दिया 3B से। तो इन्होंने क्या बोला, अमेंडमेंट मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिलेटिंग टू डिटेल फर्निश इन पार्ट ए इन अर्लियर टैक्स पीरियड, मतलब जो आपने पार्ट ए में जो डिटेल फाइल करी है उससे रिलेटेड अगर कोई भी अमेंडमेंट है वो यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाएगी, तो आप उसमें यहां पर दिखा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, अमेंडमेंट टू इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ठीक है, अगर आपकी इनवर्ड सप्लाई जिस पर RCM है, यहाँ पर ITC वाली बात नहीं कर रहा, उसकी अमेंडमेंट आगे है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि भाई जो आपने पार्ट ए में अमेंडमेंट करनी है उसकी डिटेल आप यहाँ पर दिखाओगे। अगर आपको पार्ट बी में कोई अमेंडमेंट करनी है, ठीक है ना, पार्ट बी में कोई अमेंडमेंट करनी है मतलब इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड वाली में, तो उसे यहाँ पर दिखाओगे। तो इन्होंने एक अमेंडमेंट टेबल इसके अंदर बना दी। पहले ये कह रहे थे हम एक नई रिटर्न लेकर आएंगे अमेंडमेंट के लिए, उसकी बात नहीं करी है, इन्होंने अमेंडमेंट की टेबल ही इसके अंदर बना दी, ठीक है। इसके बाद क्या करा इन्होंने, कुछ लोगों को हमेशा शिकायत रहती थी, अरे भाई आप नेगेटिव लाइबिलिटी हमें डालने ही नहीं देते, हम नेगेटिव लाइबिलिटी को कहाँ डालें, तो इन्होंने क्या बोला, नेगेटिव वैल्यू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड। कहता है नेगेटिव वैल्यू कैरी फॉरवर्ड अदर देन बी, ठीक है ना, अदर देन बी का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू कैरी फॉरवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ RCM सप्लाई। अगर आपकी RCM सप्लाई से रिलेटेड कोई नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर दिखाओगे, इसके अलावा अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसे आप यहाँ पर दिखा दोगे। तो अगर आपके कोई क्रेडिट नोट होते हैं, ठीक है ना, अगर आपके कोई क्रेडिट नोट होते हैं और जिसे आपने टेबल नंबर ए में नहीं दिखाया क्योंकि वहां पर वो माइनस में नहीं लेता फिगर, तो आप उसे यहां पर दिखाओगे। तो इसका मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो GSTR3 भी बड़ा हो रहा है। तो अगर कोई 500 रुपये में 3B भर रहा है, 1000 रुपये में, तो अब थोड़ा सा सावधान होना है, उसे बता देना है कि GSTR3B अब बदल रहा है। इसके बाद ITC में क्या बदला है, ITC में भी बदलाव है। ITC में क्या बदलाव है, इन्होंने क्या बोला कि भाई ITC के लिए ना हमने क्या करा है, इसके अंदर भी कॉलम बढ़ा दिए। इन्होंने यहाँ पर फिफ्थ नंबर जो कॉलम करा है, इन्होंने बोला ITC ऑन डोमेस्टिक इनवर्ड सप्लाई एक्सक्लूडिंग 1-4। पहले यहाँ पर अदर्स लिखा रहता था, कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे, तो इन्होंने बोल दिया कि अगर आपने कोई डोमेस्टिक इन्वर्ट सप्लाई ली है, ठीक है ना, उसका जो ITC है वो यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है, जो हमारा था। अब यहाँ पर आपको पता है ITC रिक्लेम्ड भी किया जाता है। रिक्लेम्ड कब किया जाता है, इन्होंने बोला कि आपने ITC रिवर्स कर दिया था, उसके बाद अगर आपने रिक्लेम्ड किया है तो आप यहाँ पर दिखाओगे। सर रिक्लेम्ड कैसे, कई बार ऐसा होता है, इस चीज को आपको समझना होगा कि कई बार मेरे पास ना बिल तो आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसके गुड्स मेरे पास टाइम से नहीं आते, तो सेक्शन 16 कहता है जब गुड्स आएंगे तभी आपको ITC लेना है। तो अगर आपने इस तरह का कोई ITC रिवर्स करा हुआ है, ठीक है ना, और जब आपके पास गुड्स आ गए तब आप उसे रिक्लेम करना चाहते हो, क्योंकि भाई आप मेरी बात को समझो, चेन्नई से माल चला, दिल्ली माल आ रहा है, चेन्नई वाले ने 31 तारीख को अपनी GSTR1 में दिखा दिया, वो मेरे 2B में भी रिफ्लेक्ट आ गया, लेकिन मेरे पास 4 अप्रैल को माल आया, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले तो उस ITC को क्लेम कर लूंगा क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिवर्स में रिवर्स भी करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स मेरे पास आई नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, पहले क्लेम करो, देन फिर रिवर्स करो, फिर उसके बाद रिक्लेम करो, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता होगा कि अगर हम 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो इन्होंने बोला ITC रिवर्स कर देना आप, और उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप रिक्लेम कर लेना। इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि मैंने ज्यादा ITC क्लेम कर लिया हो, तो उन्होंने कहा है कि इसे आप रिवर्स कर देना, और जब आप, ठीक है ना, अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी होगी हो कि ज्यादा रिवर्स कर दिया है, तो आप यहां पर रिक्लेम कर लेना। तो इन्होंने क्या करा, ITC रिक्लेम के लिए और ITC रिवर्स के लिए अलग कॉलम बना दिए। तो ये रिक्लेम की टेबल यहां पर ITC रिवर्स से लिंक होगी। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमें नहीं पता आपने गाड़ी खरीदी, हमें नहीं पता आपने फूड खाया, तो सामने वाले सप्लायर ने B2B में डाल दिया, वो आप ITC क्लेम करोगे और यहां पर एज पर सेक्शन 17(5) आप रिवर्स करोगे।
रूल 42-43 की ऐसे रिवर्स करोगे अगर वो एग्जेम्प्ट टैक्सेबल है। साथ में इन्होंने क्या बोला, क्रेडिट नोट में बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि भाई यहाँ पर हम नेट आईटीसी ले क्या। अब इन्होंने कहा नहीं भाई, अगर आपका क्रेडिट नोट का कोई आईटीसी है इनवर्ट सप्लाई पे तो आप उसे यहीं पर रिवर्स करोगे, उसके लिए अलग कॉलम है और काफी सारे कॉलम ऑटो पॉपुलेटेड है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज भी बता दी। तो आईटीसी के अंदर थोड़ा सा झंझट होने वाला है तो आप इसे समझ लेना। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी आईटीसी में भी अमेंडमेंट है तो हम उसके लिए भी आपको अलग शीट दे रहे। तो भाई इन्होंने आईटीसी के लिए भी अलग शीट दे दी कि अगर आपकी आईटीसी के अंदर अमेंडमेंट है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। तो आईटीसी की अमेंडमेंट भी यहां से आपको ठीक कर लेनी है, इन्होंने उसके लिए अलग टेबल दी है। तो पूरी जीएसटीआर 3 भी चेंज हो गई है और जीएसटी में ना इस बार ना बहुत सारे सर्कुलर आए, बहुत सारी नोटिफिकेशन आई है। तो हम क्या सोच रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हम इसके ऊपर ना एक सेमिनार करने की सोच रहे हैं, एक वेबिनार करने की सोच रहे हैं कि जिसमें हम सारी डिटेल दे दें, जिसमें जो भी चेंजेज हमारे जुलाई महीने में हुए वो बता दें। तो सर किस दिन करना है वो वेबिनार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर इनकम टैक्स की डेट बढ़ गई ठीक है ना, तो वो वेबिनार हम इसी महीने में कर लेंगे। लेकिन अगर इनकम टैक्स की डेट नहीं बढ़ती है तो अभी सब लोग किस में बिजी हैं, इनकम टैक्स में, तो हम क्या करेंगे उस वेबिनार को हम अगस्त में कर लेंगे ठीक है, फर्स्ट वीक में। और हाँ, इनकम टैक्स के वेबिनार से बात याद आई कि हमारा 17 तारीख को संडे को, पहले ये सैटरडे को था लेकिन कई लोगों ने बोला नहीं सर सैटरडे को ऑफिस में बिजी रहते हैं तो संडे को कर दो, तो हमने इस सेशन को ना संडे का कर दिया। तो जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं वो फिजिकल आ सकते हैं और अगर दिल्ली से बाहर वाले लोग हैं तो आप इस वेबिनार को सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। कब से, 11 बजे से 2 बजे तक है, संडे संडे। इसमें एक्सपर्ट कौन होंगे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इनकम टैक्स में, इसमें प्रवीण बंसल जी को बुलाया हुआ है हमने ठीक है, एफसी अमित गोयल जी को बुलाया हुआ है, मोहित पुनेता जी को बुलाया हुआ है ठीक है, पारस अग्रवाल जी को बुलाया, तो सारे एक्सपर्ट होंगे अपने अपने टॉपिक में। तो जो जो टॉपिक इन्हें दिया है ठीक है ना, तो सारा अगर आपको समझना है थोड़ा बहुत मैं भी बता दूंगा। तो इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करा लें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। और ये जो अभी नया फॉर्मेट आया है जीएसटीआर 3B का, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अगर आप जीएसटी की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं, मैगजीन आपको मिली गई होगी, सॉफ्ट कॉपी भी फिजिकल भी मिल गई होगी। अगर किसी को नहीं मिली हमारी टीम से बात कर ले ठीक है, मैगजीन आप सब्सक्राइब करा लो, अगले 2-3 महीने की मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को हो सके तो जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करो। सब्सक्राइबर 2 लाख का टारगेट रखा है कि जल्दी से जल्दी 2 लाख का टारगेट पूरा हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।